के भूमि पर आए हुए ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री और हिंदू के सम्राट बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित मधुबनी लोकसभा के सांसद परम आदरणीय श्री हुकुमदेव नारायण यादव जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधायक मिथिलेश तिवारी जी, जाले के लोकप्रिय विधायक जीवेश जी, मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण, इस सभा में आए हुए मतदाता बंधुओं, मैं आज आप लोगों के सामने अशोक यादव मोदी जी और योगी जी द्वारा भेजा हुआ एक सिपाही के रूप में आपके बीच में खड़ा हुआ हूं। और माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी और रामविलास जी का आशीर्वाद प्राप्त लेके आप लोगों के बीच में आया हुआ बंधुओं, ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप लोगों से बस इतना कहना चाहूंगा कि यहाँ जो आज कमतौल में जो सभा हो रही है, यहाँ कमतौल से मेरा बराबर लगाव रहा है, हर चुनाव हो या वैसे भी लगाव रहा है। हम बगल के क्षेत्र से कमतौल के बगल में है, केवटी विधानसभा से हम 3 बार विधायक रहे हैं बंधुओं, ऐसा आप लोग भी जाते होंगे, केवटी विधानसभा में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां सड़क नहीं बना हो, कोई ऐसा पुल नहीं है जहां पुल, जहां कोई ऐसा नदी नहीं है जहां पुल नहीं बना हो, कोई ऐसा गांव नहीं जहां बिजली नहीं लगा हो। बंधुओं, मैं आप लोगों से आग्रह निवेदन करने आया हूं कि आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप लोगों के लिए भी विकास करेंगे, मधुबनी में जो बचा हुआ विकास है वह विकास तो करेंगे ही, और आप लोगों के गुभागा करना चाहता है कि अगर आप लोगों ने आशीर्वाद दिया तो आप लोगों के बीच में हम नेता बनकर नहीं रहेंगे, आपके बीच में भाई और बेटा और सेवक बनकर हम रहेंगे। बंधुआ, हम सेवक बनकर रहेंगे। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम आपसे ऐसा संबंध बनाएंगे कि आपके 24 घंटे दुख और सर्द में, सुख और दुख में, जब भी आप फोन करेंगे हम आपके निदान में लगे रहेंगे, आपके बीच में हाजिर होते रहेंगे। बंधुओं, हम ज्यादा नहीं कहते होंगे कि आइए 6 तारीख का जो चुनाव होने वाला है, आप सभी से हाथ जोड़कर आग्रह निवेदन करने आए हैं कि कमल के बटन पर दबा के आप लोग मुझे आशीर्वाद दे, और एक ऐतिहासिक मधुबनी में इस बार जीत होने वाली है, सभी लोग हाथ लगा के इस बार मधुबनी से एक ऐतिहासिक जीत दिलावे ताकि मधुबनी का विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।